वेलकम टू अवर चैनल स्टूडेंट्स. आज हम करेंगे बायोलॉजी 9th क्लास के थर्ड चैप्टर का लास्ट लेक्चर नंबर 11, दैट इज एंडेंजर्ड स्पीशीज इन पाकिस्तान. एंडेंजर्ड स्पीशीज इन पाकिस्तान में सबसे पहले हम करेंगे इंडस डॉल्फिन को. इंडस डॉल्फिन जो है इट्स अ मैमल, इट्स अ फ्रेश वाटर रिवर मैमल. एंड व्हाट इज इट्स हैबिटेट? इट्स लिव इन इंडस रिवर. ठीक है, ब्लाइंड इंडस डॉल्फिन जो है ये पाकिस्तान में इंडस रिवर में प्रेजेंट है. What is its present status? According to WWFP, only 600 animals are left in Pakistan. So, Worldwide Fund of Pakistan ke according, just iske 600 jo animals hain, wo Pakistan mein baki bache hain. What are the factors? Kyu iska number jo hai, wo itni tezi se decline kar raha hai? Aur ye endangered hai. The reason number one is the water pollution. Theek hai, water pollution ki wajah se. Then number two, poaching. Poaching means the illegal hunting of this Indus dolphin. Then the last one is the habitat destruction. ठीक है, of course habitat के disturb होने से भी affect होती है ये Indus dolphin की species, और जिसकी वजह से इसका जो number है वो decrease कर रहा है. Second is the Marco Polo sheep. Marco Polo sheep is the national animal of the Pakistan. What is its habitat? In Pakistan it is found in the Hanjrab National Park. हंजराब नेशनल पार्क जो है ये पाकिस्तान का थर्ड बड़ा नेशनल पार्क है, और ये गिलगित बल्तिस्तान के इलाके में प्रेजेंट है. व्हाट इज इट्स प्रेजेंट स्टेटस? इट इज एंडेंजर्ड. मार्को पोलो शीप जो है ये भी एंडेंजर्ड है, यानी नियर फ्यूचर ये थ्रेट में है कि ये एक्सटिंक्ट हो जाएगा. बिकॉज द नंबर हैज बीन डिक्लाइनिंग रैपिडली इन लास्ट टू डिकेड से इसका नंबर बहुत तेजी से नीचे गिर रहा है, जिसकी वजह से ये इस खतरे में है कि नियर फ्यूचर मार्को पोलो शीप जो है ये एक्सटिंक्ट हो जाएगा. व्हाट आर द कंजर्वेशंस? इसको कंजर्व करने के लिए क्या स्टेप लिया गया है? WWFP जो है इट हैज स्टार्टेड अ प्रोजेक्ट फॉर इट्स कंजर्वेशन. WWFP ने इसकी को कंजर्व करने के लिए अपना एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है, जो हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था. लास्ट वन इज द हुबारा बस्टर्ड. हुबारा बस्टर्ड इज द माइग्रेटरी बर्ड. ठीक है, they are the migratory birds that fly to Pakistan in winter season from former Soviet territory. ये migratory birds हैं. जैसे ही winter season start होता है तो ये migratory birds जो हैं ये Soviet territory, that is the territory of Russia actually, वहां से ये migrate करके Pakistan की तरफ move करते हैं. Settlement जब ये migrate करके Russia से आते हैं Pakistan में, देन ये कहाँ सेटल होते हैं? लार्ज नंबर ऑफ दिस बर्ड सेटल डाउन इन द चोलिस्तान एंड थर्ड डेजर्ट. तो ये रशिया की जो टेरिटरी है वहां से माइग्रेट करके पाकिस्तान में जब एंटर होते हैं तो चोलिस्तान और थर्ड डेजर्ट जो है वहां आकर सेटल होते हैं. व्हाई इट्स नंबर इज डिक्लाइनिंग? नंबर वन बिकॉज ऑफ द डिस्ट्रक्शन ऑफ हैबिटेट, एंड द लास्ट वन इज द हंटिंग बाय द फॉरनर्स. तो एक तो इसका जो हैबिटेट है वो डिस्ट्रक्ट होने की वजह से इसका नंबर डिक्रीज कर रहा है, और सेकंड जो है दैट इज द हंटिंग बाय द फॉरनर्स. फॉरनर्स जो विजिटर एज अ विजिटर्स आते हैं पाकिस्तान में, वो इसकी इलीगल हंटिंग करते हैं, जिसकी वजह से जो इसका नंबर है वो डे बाय डे डिक्रीज करता चला जा रहा है. ओके, थैंक यू. इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में. अल्लाह हाफिज़.